हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक्सेल में सिखाने वाले हैं डे बुक अकाउंटिंग। ओके, डे बुक अकाउंटिंग बनाने वाले हैं हम। आज आपको सिखाएंगे डे बुक अकाउंटिंग कैसे बनाया जाता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं एक्सेल की शीट पर। एक्सेल, चलिए तो हम आ चुके हैं एक्सेल की शीट पर। ओके, ये हमारी खुल चुकी है एक्सेल की शीट। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिसमें आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं। बी वाले पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे। चलो, तब तक हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। इसमें लगभग इसमें हम ये सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं मर्ज। ओके, इसमें हम हेडिंग डालेंगे डे बुक अकाउंट एंट्री, डे बुक अकाउंट एंट्री। ओके, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, जूम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद है, इसमें चाहें तो कलरिंग भी कर सकते हैं। इसमें कलरिंग भी कर देते हैं रेड, और इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम डालते हैं सीरियल नंबर। पहले हमको डालना है सीरियल नंबर। ओके, अब डालना है डेट, उसके बाद डालना है पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी /सी अकाउंट नेम। ओके, उसके बाद डालना है हमको पे टाइप का मतलब हम किस फॉर्म से पे कर रहे हैं उनको। ठीक है, अब लेजर टाइप डालने के बाद हमको डालना है कंपनी। ठीक, उसके बाद डालते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद हमको डालना है डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद डालते हैं यूनिट्स। उसके बाद डालते हैं क्वांटिटी। उसके बाद डालते हैं रेट, क्या रेट है। उसके बाद हम डालते हैं अमाउंट। ओके, ये होगा हमारा टोटल अमाउंट अमाउंट। ओके, अब डायरेक्ट हम इनको फिल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर डालेंगे 1 2। हम डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ से ट्रैक कर देंगे। ठीक है, ये हमारे डल जाएंगे 10 तक। यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 1। डेट हम डालेंगे 1 1, यहाँ डाल देते हैं 2 2। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके सारे में ट्रैक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम डाल देते हैं 1, यहाँ पर भी डाल देंगे 1। ओके, और यहाँ पर भी डाल देंगे 1। ठीक, और यहाँ पर भी डाल देंगे 1। यहाँ पर हम डाल देते हैं 3। ओके, यहाँ हम डाल देंगे 3, और यहाँ पर डाल देते हैं 4। ओके, 84 हो गया 4। ओके, यहाँ पर भी 4 सेलेक्ट कर देते हैं, और लास्ट वाली डेट में भी हम 4 डाल देंगे। ओके, ठीक है, ये हमारी डेट लिख चुकी है। ठीक है, हमको पार्टी नेम लिखना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर हम पार्टी नेम लिखेंगे पी के प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये हो गया पी के प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अब दूसरा नेम हम लिखते हैं AK Private Limited। ओके, हो गया पी के प्राइवेट लिमिटेड, नीचे हो गया AK Private Limited। ठीक है, अब लिखते हैं SK Private Limited। ओके,
यहाँ पर लिखते हैं आर के प्राइवेट लिमिटेड, ओके, एस के आर के, उसके बाद लिखते हैं फिर से ए के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पी के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एस के प्राइवेट लिमिटेड, फिर से एस के प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद लिखेंगे आर के प्राइवेट लिमिटेड और लास्ट में पी के प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ये हमने लिख दिए हैं पार्टी के नेम, ठीक है। पे टाइप, इनको हमने कैश से परचेस किया है, इनको हमने परचेस किया है कैश से, ओके, और इनको हमने परचेस किया है पीएनबी बैंक से, ओके, यहाँ फिर से कैश, फिर से कैश, ठीक है, फिर से कैश, ठीक। उसके बाद हम पीके को परचेस करेंगे एसबीआई, नहीं, यहाँ पे हम फिर से एक बार कैश कर देते हैं, ठीक, उसके बाद एसबीआई, एसबीआई बैंक, ओके, एसबीआई बैंक, ठीक, उसके बाद फिर से कैश, फिर से कैश और फिर से कैश, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब इसको भी थोड़ा साइड से बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेजर टाइप, लेजर टाइप पहला होएगा परचेस, परचेस, ठीक, सेकंड फिर से होएगा परचेस, ठीक है, उसके बाद होएगा सेल, सेल्स, ठीक है, फिर होएगा सेल्स और उसके बाद होएगा परचेस, फिर से परचेस, ठीक, उसके बाद होएगा सेल्स, सेल्स, सेल्स और परचेस, ठीक है। अब उसके बाद हमको डालनी है कंपनियां, तो उसके बाद हम कंपनी डालते हैं बीपीएल, ओके, और यहाँ पे डाल देते हैं सैमसंग, सैमसंग, ओके, उसके बाद डालेंगे बीपीएल, ठीक है, बी कैपिटल होएगा बीपीएल, ठीक, उसके बाद फिर से डालेंगे बीपीएल, ठीक, फिर से सैमसंग, फिर से बीपीएल, फिर से सैमसंग और फिर से सैमसंग, ओके। अब यहाँ पे फिर से बीपीएल और बीपीएल, ठीक है, ये हमारे कंपनी नेम डल चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट, हमने क्या क्या ख़रीदा है, टीवी, ठीक है, टीवी के बाद यहाँ हमने ख़रीदा है डीवीडी, डीवीडी, उसके बाद फिर से टीवी, फिर टीवी, फिर टीवी और फिर टीवी, ठीक है, चार बार हमने टीवी ख़रीद लिया, ठीक, नहीं, यहाँ पे हम ख़रीदेंगे टीवीडी, ठीक है, डीवीडी, ठीक, यहाँ पे डाल देते हैं टीवी, फिर टीवी, यहाँ पे फिर से डालेंगे डीवीडी, लास्ट में फिर टीवी, ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट लिखे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 21 इंच, 21 इंचेस, ठीक है, INCH, ठीक, इंच, उसके बाद लिखते हैं स्मार्ट, स्मार्ट, ठीक है, उसके बाद फिर से लिखेंगे 21 इंच, ठीक है, फिर से 21 इंच, ठीक, उसके बाद फिर से लिखेंगे 21 इंच, ठीक है, उसके बाद ये ऑटो सेलेक्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर देंगे। 21 इंच के बाद से यहाँ पे लिखेंगे 28 इंच, 28 इंच, ठीक है, 28 इंच, ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है विज़न, विज़न, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमको 28 इंच, 28 इंच, ठीक है, उसके बाद नीचे लिखना है हमको फिर से 28 इंच, 28 इंच, ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमको विज़न, विज़न, उसके बाद यहाँ पर लिखना है 21 इंच, ओके, ये पहले से लिखा है, सजेस्ट नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट हमने किस में ख़रीदा है, हमने ख़रीदा है पीसेस में, PIECES, ठीक है, पीसेस में, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके सारा ट्रैक कर देते हैं, हमने हर चीज़ पीसेस में ही ख़रीदी है। अब इसकी क्वांटिटी डालते हैं, टीवी ख़रीदी हमने 20, ठीक है, यहाँ 25 डाल देते हैं, 5 यहाँ डाल देते हैं, 3, ठीक है, डाल देते हैं 30, फिर यहाँ पे डालेंगे 25, यहाँ पे डालेंगे 5, 3, यहाँ पे डालेंगे 8, यहाँ पे डालेंगे 10, ओके। अब यहाँ पे हम डालेंगे रेट, ठीक है, पहले डालते हैं 15,000, ठीक है, उसके बाद डालते हैं 6,000,
और उसके बाद डालते हैं 16,000, ठीक है। उसके बाद डालेंगे फिर से 16,000, ठीक। और उसके बाद डालते हैं 23,500, ओके। उसके बाद डालते हैं 6,500, उसके बाद डालते हैं 25,000, ठीक है। फिर से 25,000, यहाँ पे डालेंगे 8,000, ठीक है। उसके बाद डालेंगे 16,000, ठीक है। ये हो गया 16,000। अब यहाँ पे निकालना है हमको अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना है, इक्वल। इक्वल के बाद है का रेट पे क्लिक, ठीक है, इनटू क्वांटिटी पे क्लिक, ठीक है, और एंटर, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल रेट पे क्लिक इनटू क्वांटिटी पे क्लिक, एंटर, ठीक है। ऐसे ही हमको सब में करना है। हम डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके ट्रैक कर देते हैं, ये आ चुका है सब में, ठीक है। अब हम पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट, ठीक। इसमें थोड़ा कलर वलर वगैरह भर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर फिलिंग कर देंगे इसमें हम, ठीक। बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। यह हो गया बॉर्डर, इसमें हम लगाएंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब सही लग रहा है। उसके बाद थोड़ा इसका जूम करते हैं कम, ठीक है। तो जूम थोड़ा कम करते हैं, पार्टी नेम को उतना ही कर देते हैं, ठीक है। उसमें डबल क्लिक करो तो ये ऑटो सेलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। आप डबल क्लिक करके ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक, ओके। तो ये हो चुका है, ठीक। अब थोड़ा और जूम कम कर लेते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे इस साइड आगे डालेंगे, यहाँ पे आगे डालेंगे हम परचेज रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आगे हम डालेंगे, यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले इन दोनों सेल को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे हम परचेज रिपोर्ट, ठीक है, परचेज रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं परचेज रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे डालेंगे पी के, यहाँ पे डालेंगे पी के प्राइवेट लिमिटेड, पी के प्राइवेट लिमिटेड, ओके। और नीचे डालेंगे ए के प्राइवेट लिमिटेड, ए के प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ए के प्राइवेट लिमिटेड और पी के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर, ओके। यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर, इसमें हम कलर कर देते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड कर देते हैं, मैं सही से दिखाई दे। अब यहाँ पे डालेंगे हम सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे डालेंगे सेल्स रिपोर्ट, सेल्स नहीं, पहले हम यहाँ पे इन दोनों सेल को पहले मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। दोनों सेल को पहले मर्ज करेंगे, उसके बाद डालेंगे सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे डालेंगे हम सेल्स में हमने जिन जिन को सेल किया है, ठीक है। ये डेट देखो सही नहीं आ रही है, इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जिन जिन को हमने सेल किया है, ठीक, जिन जिन में हमारा सेल्स सेल लिखा है, तो हमने किस किस को किया है, एस के प्राइवेट लिमिटेड, एस के प्राइवेट लिमिटेड और आर के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आर के डॉट पीबीटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एस के प्राइवेट लिमिटेड और आर के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। को सिलेक्ट करके पहले इसमें बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ओनली इसमें कलर कर देते हैं, फुल कलरिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है, बोल्ड। अब यहाँ पे हम डालेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा होएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे टोटल, दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे टोटल, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम परचेज परचेज, ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे हम सेल्स, ठीक। उसके बाद फिर से यहाँ पे बॉर्डर कर देते हैं, ठीक। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसमें करेंगे कलर बोर्ड, ठीक है, कलर नहीं है इसमें, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हमको परचेज रिपोर्ट बनानी है, ठीक। परचेज रिपोर्ट बनाने के लिए हमको यहाँ परचेज़ के लिए जल लाना है, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, जिस जो जो हमने परचेज़ किया है सिर्फ उसका अमाउंट आए, ठीक। इक्वल सम इफ, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिर पी के पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पी के प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। पी के प्राइवेट लिमिटेड पे सिलेक्ट करने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा, ठीक। और फिर टोटल अमाउंट, सारे अमाउंट का सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। ये आ चुका है हमारा टोटल, ठीक है। चलो फिर से ट्राई करके हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। पहले फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, पहले हम करेंगे इक्वल, ठीक। उसके बाद लगाएंगे सम इफ, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक। ब्रैकेट के बाद हमको ये पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद लगाना है कॉमा, फिर हमको प्राइवेट पी के प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करना है, फिर से कॉमा, ठीक। उसके बाद सारा अमाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक। सारा सारा अमाउंट, एक सेकेंड, सारा अमाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। सारा अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद फिर से लगाना है हमको ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद एंटर, ठीक। अब इसमें ट्राई करके देते हैं, एक के प्राइवेट लिमिटेड पे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद इन सब को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद करेंगे ए के प्राइवेट लिमिटेड, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर सारा अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, ठीक। ये हमारा आ चुका है परचेज रिपोर्ट, ठीक। उसके बाद हमको सेल्स रिपोर्ट निकालना है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एस के प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद फिर से कॉमा, ठीक। उसके बाद अमाउंट सेलेक्टेड, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ऑन एंड सेलेक्ट ऑल कंपनीज, ठीक है। उसके बाद आर के सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर करेंगे आर के सेलेक्ट, आर के प्राइवेट लिमिटेड, फिर से कॉमा, ठीक। ऑल अमाउंट सेलेक्टेड, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ठीक। अब हमको निकालना है टोटल परचेज, ठीक। तो टोटल परचेज निकालने के लिए इक्वल, इक्वल के बाद हमको लगाना है सम, ठीक, ब्रैकेट ऑन, उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ, एंटर, ठीक। उसके बाद फिर हमको निकालना है सेल्स, इक्वल सेल्स निकालना है, ठीक है। इक्वल सेल्स निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है इक्वल सम ब्रैकेट ऑन, फिर दोनों सेल्स को सिलेक्ट, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर, ठीक। ये हमारी शीट बन चुकी है, ठीक। उसके बाद हम आपको देखो और तरीका बता देते हैं। आप ये पी के प्राइवेट लिमिटेड ऐसे भी निकाल सकते हो कि इक्वल लगा दो, ठीक है। उसके बाद इक्वल के बाद डायरेक्ट आपको पी के वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक। पी के प्राइवेट लिमिटेड इसमें है, देखो एक अमाउंट ये है, उसके बाद प्लस, फिर पी के कहाँ है, फिर पी के एक ये है, इसको भी प्लस, ठीक है, और फिर पी के है लास्ट में, ठीक, इसको भी प्लस। उसके बाद आप एंटर कर सकते हो, वही अमाउंट आया, ठीक है, मतलब हमारा अमाउंट राइट है। आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने बॉर्डर लगा ही दिया है, ठीक। इसको हम, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक, इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी डे वो एंट्री शीट बन के तैयार हो चुकी है, ओके। आज के लिए बस इतना ही, आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।